हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या पांडे माया क्रिएटिव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज जो मैं आपके लिए समक्ष जानकारी लेकर आई हूं, वो ऐसे पांच पौधे हैं दोस्तों जिनकी पत्तियां बहुत ही रंग बिरंगी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही कलरफुल दिखाई देने वाले पत्ते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे पांच पौधों के बारे में आपको बताऊंगी। और वो पांच पौधे हैं दोस्तों, पहला कि वो एक परमानेंट प्लांट है, दूसरा जैसा कि मैंने कहा उनकी पत्तियां बहुत ही रंग बिरंगी हैं, तीसरा वो परमानेंट प्लांट हैं, चौथा वो नर्सरी में बहुत ही आसानी से जो है उपलब्ध होते हैं प्लांट, और पांचवा है दोस्तों कि वो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो पहला तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, ये है वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट, जो कि बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से भी आप इसे बास्केट प्लांट, जो बास्केट होते हैं उसके लिए बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप देखिए इसके जो लीव्स हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। ये देखिए, नीचे से ये पर्पल कलर का है देखिए, और ऊपर से आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और वो भी शेड की तरह, जैसे कि इनमें हमने ब्रश से शेड किया है कि जैसे ग्रीन कलर और पर्पल कलर। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा, दो की दो कलर में दिखाई देता है, नीचे से पर्पलिश और ऊपर से ग्रीनिश, और उसमें से भी ऐसा लगता है जैसे इनकी ये जो पत्तियां हैं इनमें हमने पेंट किया हुआ है। दोस्तों, जो मेरे मित्र इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, ये जो प्लांट है बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, इसको बिल्कुल भी केयर की जरूरत नहीं होती है। और इसकी खूबसूरत आप देख रहे हैं, ये है पत्ते, देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो आप इसको जो है हैंगिंग बास्केट में और पॉट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो पहला पौधा तो मेरा ये है वॉन्डरिंग ज्यू का। दूसरा पौधा है दोस्तों ये ट्रियो का प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। देखिए ये मैंने छोटे से अपने पॉट में लगाया हुआ है, और आप देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है दोस्तों पूरा। ये देखिए जैसे कमल का फूल होता है उस तरीके से प्रतीत हो रहा है ये रियू का प्लांट। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, इसे बोट लिली भी कहा जाता है। अब देखिए इसका भी सेम वही है कि ऊपर से ये ग्रीन कलर है, और नीचे से आप जब देखेंगे तो ये कुछ इस पर्पलिश कलर का है। तो ऐसे जो पौधे हैं दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, कि जिनमें दो कलर और दो शेड हमें दिखाई देखने को मिलते हैं, वे बेहद खूबसूरत होते हैं। उनकी खूबसूरती और बहुत ही लाजवाब होती है। और आप देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ग्रीन भी दिखाई दे रहा है और पर्पल कलर भी दिखाई दे रहा है। तो ये प्लांट दोस्तों बहुत ही इजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो जाता है, और नर्सरी में बहुत आसानी से उपलब्ध भी होता है। और ये एक परमानेंट प्लांट है, वॉन्डरिंग ज्यू भी परमानेंट प्लांट है। तीसरा प्लांट ये पर्पल हार्ट का है, देखिए कितने खूबसूरत इसका कलर है, और ये नर्सरी में जो है बहुत आसानी से उपलब्ध भी होता है, और ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है। आपने देखा होगा ये बाउंड्री के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है, जैसे ग्राउंड में किनारे किनारे जो है इस प्लांट को बाउंड्री की तरह यूज़ किया जाता है। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, इसमें छोटे छोटे जो है पर्पल कलर के जो है फ्लावर भी आते हैं। अब देखिए इसमें भी जो है, अब देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है, ये देखिए, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। ये देखिए बहुत सुंदर प्लांट है। फिर आते हैं दोस्तों, ये है डेविल बैकबोन का प्लांट, ये देखिए ये भी एक परमानेंट प्लांट है, और इसकी जो आप पत्तियां देख रहे हैं इसमें भी जो आप देख रहे हैं कहीं पे आपको जो है ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा, कहीं पे लाइट ग्रीन, और इसमें कभी कभी पिंक कलर भी
देखने को हमें मिलता है। आप देखिए इसमें लाइट पिंक भी आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्लांट भी परमानेंट के साथ साथ इसकी खूबसूरत हैं ये पत्तियाँ। आप देखिए इसमें जो इसके रंग बिरंगे ये कलर हैं, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, और ये भी नर्सरी में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस का है, इजी टू ग्रो है, इसको बिल्कुल भी केयर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है इस प्लांट को, और ये बहुत आसानी से ग्रो जाता है। और मैंने देखी कितने छोटे से पॉट में इसको लगाया हुआ है, तो ये भी बहुत खूबसूरत पौधा और जिसकी रंग बिरंगी आपको पत्तियां देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं दोस्तों, पांचवा लास्ट प्लांट है हमारा और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, पांचवा जो हमारा पौधा है, क्योंकि इसका काफ़ी हैवी था पॉट तो मैंने इसको उठाया नहीं। ये देखिए पांचवा पौधा है ये हमारा, ये देखिए इसे फेरकेरिया के नाम से पुकारा जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत है, देखिए इसकी पत्तियां कितनी रंग बिरंगी हैं। वैसे तो कई प्लांट होते हैं लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पांच ही प्लांट ऐसे बता रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे इनमें हमने पेंट किया हुआ है। आप इनकी पत्तियों को जब छुएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इनमें हमने पेंट किया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है इसका कलर, और ये नर्सरी में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, और इससे आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो मेरा ये लास्ट पौधा था दोस्तों फेरकेरिया का, जो बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये भी सरकारी और दफ्तर के आसपास जो है बहुत अधिक दिखाई देता है ये पौधा। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।